दोस्तों चलो अनबॉक्स करते हैं। मैंने इस हमारी स्मार्ट वॉच को हम मैंने ऑलरेडी इसको अमेज़न के पैक से निकाल दिया है। यह है इसका बिल 9,999 रुपये। ओके, इसको साइड रखते हैं, इसको साइड रखते हैं। पैकेट बहुत अच्छा पैकेट है इसका, मतलब बिल्ड क्वालिटी और जैसे फ़ोन होता है ना वैसे ही पैकेट है। चलो इसको देखते हैं अब खोल के। इसके बाहर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें, और यहाँ पे तो निशान भी लग रहे हैं घड़ी के हिसाब से, डायल बना हुआ है। चलो इसे खोल के देखते हैं अब कैसी लगती है अंदर से, कैसी है हमारी घड़ी। ओ, पहला लुक ज़बरदस्त है, सीरियसली ज़बरदस्त। यहाँ पे ऐसा कुछ है इसका मैनुअल टाइप से, इसको बाद में देख लेंगे ठीक है, वो तो बिना पढ़े भी काम चल जाएगा। चलो इसको अब खोल के देखते हैं। बहुत लाइट वेट है ये, पीछे सेंसर होगा, इसको हटाना है शायद, ये सेंसर ही है दोस्तों, इसको हटा के देखते हैं। जी हाँ, ये सेंसर है और इतनी लाइट वेट है, इससे मेरी जो एनालॉग घड़ी है उसके मुकाबले तो, और स्टील है वैसे भी, बहुत लाइट वेट है। चलो इसको देखते हैं। इसका स्ट्रिप ठीक है, स्ट्रिप मेरे को कोई खास अच्छा नहीं लगा। ओके ओके, स्ट्रिप तो इसका जो ये चीज़ है ये काफ़ी स्ट्रांग लग रही है मेरे को, मतलब एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी और एक अच्छा लुक आ रहा है। एक्चुअली ब्लैक वॉच की बात ही अलग होती है, तो इसको अब ऑन करके देख लेते हैं कैसे ऑन होगी। शायद ऐसे होगी दोस्तों, ये ऑन हो गई है, इसको मैंने ये बटन प्रेस किया लॉन्ग प्रेस तो ये ऑन हो गई, तो शायद ये लैंग्वेज शो कर रहा है। यहाँ देखो आप, दो ही लैंग्वेज है, चाइनीज़ और इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश फोन करके आगे करते हैं। एग्री, स्कैन टू डाउनलोड एंड जियो वेयर ऐप। ओके, नेक्स्ट कर देते हैं। एड एम आई वॉच रिवॉल्व, एम आई अबाउट वॉच। ये वॉच, इसका टच बहुत अच्छा है, इसका टच मतलब इसका टच ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कुछ कर ही नहीं पा रहा, मतलब जस्ट टच किया और इसका टच ऊपर नीचे हो रहा है, काफ़ी अच्छा इसका टच स्क्रीन है। तो इसको दोस्तों हमने पेयर कर लिया है वॉच को, थोड़ा टाइम लगा इसको पेयर करने में। ये वॉच है और इसका बीपी बीपीएम, और ये एक्चुअली मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता है अभी, इसका आरएनडी करनी पड़ेगी मेरे को। बाकी इसके फेसेस जो हैं वो उससे अकाउंट होता है, जैसे कि इसका जो ऐप है उस ऐप के थ्रू हम इसका जो है कि फेसेस चेंज कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इसमें भी चेंज करने का हो। और ये देखो सेंसर जल रहा है, लेकिन ये पहनने के बाद ही शायद अच्छे से वर्क करे। तो इसको हम रख देते हैं साइड, और अब इसमें देखते हैं इसके अंदर और क्या-क्या है। ये शायद इसका चार्जर होगा, ये चार्जर है के? ये मैग्नेटिक चार्जर है, यहाँ से चार्ज हो जाएगा, और ये यूएसबी केबल का चार्जर है, ये नॉर्मल चार्जर में भी लग जाएगा, तो जो अच्छा है, नया चार्जर लेना नहीं पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये चीज़। चलो ये ऐसे चार्जिंग में अच्छा चिपक गया मैग्नेटिक, देखो थोड़ा। ओके, तो ओवरऑल मैं इस घड़ी को 10 में से 8 पॉइंट दूंगा, बाकी तो ये यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा, बाद ये ऐसी लगेगी। देखो दोस्तों, ये पहनने के बाद ये ऐसी लगेगी हाथ में, घड़ी अच्छी लग रही है। और इसके व्यूज़ बताऊंगा मैं ये कैसे लगी है यूज़ करने के बाद। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ओवरऑल नाइस घड़ी।